और मेरे बहुत आदरणीय सम्माननीय श्री चतुर्भुज मित्तल जी, श्री अग्निशेखर जी, सुश्री वीना शर्मा जी, डॉक्टर सुरेंद्र जी और भाई श्री रोशनलाल जी, मेरे सहयोगी रहे श्री सत्यप्रकाश भारत जी और महंत श्री नकोदर दास जी और बहन और भाई, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ कि मैंने चलते हुए पंखे बंद कराए हैं, क्योंकि आपसे मुझे कुछ शांति से करनी है। देश और समाज के बारे में थोड़ी गर्मी हम सहन करें, क्योंकि इस देश की आजादी के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है उन्होंने आपसे ज्यादा गर्मियां सहन की हैं। मैं आज इस सभा के शुरुआत में सबसे पहले भारत देश के अमर शहीद श्री मदनलाल धींगरा जी को अपनी तरफ से, आप सभी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जब जब भारत देश को जरूरत पड़े, ऐसे सैकड़ों हजारों मदनलाल धींगरा इस देश में पैदा होते रहें और इस देश के सम्मान के लिए, इस देश की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बानी देते रहें। आज 17 अगस्त है, मदनलाल धींगरा जी का बलिदान दिवस है और आज से दो दिन पहले हमारा स्वतंत्रता दिवस हुआ, 15 अगस्त है। इस समय पर एक छोटी सी बात हम सब याद करें। वैसे तो आप सभी जानते हैं, मैं सिर्फ आपको ध्यान दिलाने के लिए कह रहा हूं कि इस देश में जो 15 अगस्त आया 1947 को, टूटा फूटा आधा अधूरा जो भी है, बहुत कीमती है। हम भारतवासी इस बात को महसूस करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि जैसी आजादी हमें चाहिए थी वैसी नहीं मिली। जिस सपने को हमारे शहीदों ने देखा था वो पूरा नहीं हुआ। महापुरुषों ने जिस आजादी के लिए बलिदान किए वो आजादी नहीं मिल पाई। फिर भी आधी अधूरी, टूटी फूटी, लूली लंगड़ी जैसी भी आजादी मिली, बहुत कीमती। उस आजादी की कीमत के बारे में अंदाजा लगाना चाहें तो दो तीन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहली बात कि आजादी के लाने में हमारे देश के 7,32,781 शहीद हुए, उनको शहादत हुई। मदनलाल धींगरा उनमें से एक, ऊधम सिंह उनमें से एक, भगत सिंह उनमें से एक, लाला लाजपत राय उनमें से एक, शचिंद्रनाथ सान्याल उनमें से एक, मन्मथनाथ गुप्त उनमें से एक, चंद्रशेखर आजाद उनमें से एक, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक, रानी कित्तूर चिनम्मा एक, रानी दुर्गावती एक, ऐसे 7,32,781 क्रांतिवीरों के बलिदान के बाद ये आजादी आई। बहुत कीमती है। इतनी बड़ी कीमत आजादी के लिए दुनिया में किसी भी देश ने नहीं चुकाई जो हमने चुकाई। दुनिया में बहुत सारे देश गुलाम हुए हैं अलग अलग समय पर। जैसे भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करीब 250 वर्षों तक, अफ्रीका अंग्रेजों का गुलाम हुआ 450 वर्षों तक, अल्जीरिया फ्रांस का गुलाम हुआ करीब 300 वर्षों तक, अल्जीरिया के आसपास के जो छोटे अफ्रीकी देश हैं वो गुलाम हुए अलग अलग देशों में, एशिया के बहुत सारे देश इंडोनेशिया, मलेशिया और हमारा पड़ोसी चीन भी गुलाम हुआ अंग्रेजों का, हमारा थोड़ा दूर का पड़ोसी जापान भी गुलाम हुआ अंग्रेजों का, हमारा दूर का पड़ोसी सिंगापुर भी गुलाम हुआ अंग्रेजों का। ऐसे दुनिया में 50 से ज्यादा देश गुलाम हुए, कभी अंग्रेजों के, कभी फ्रांसीसियों के, कभी जर्मनी के, कभी किसी देश के, कभी किसी देश के। लेकिन किसी भी देश की आजादी के लिए, किसी भी देश की स्वतंत्रता के संग्राम के लिए इतनी कुर्बानियां नहीं देनी पड़ी जो भारत में हुई। अफ्रीका का इतिहास मैंने पढ़ा, अफ्रीका का 450 साल का गुलामी का इतिहास है और उससे आजादी की लड़ाई का, उनका संघर्ष का इतिहास है। उस अफ्रीका में 56,000 लोगों की कुल कुर्बानियां हुई और उसके बाद अफ्रीका आजाद हो गया। इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देश में 20,000 से 25,000 लोगों की कुर्बानियां हुई, दोनों देश आजाद हो गए। अल्जीरिया में 80,000 लोगों की कुर्बानी हुई, अल्जीरिया आजाद हो गया। इसी तरह से यूरोप के छोटे देश, एशिया के कुछ बड़े देश, लैटिन अमेरिका के कुछ बड़े देश अलग अलग समय पर गुलाम हुए। हर जगह शहीदों की शहादत भारत की संख्या में छोटी है, कम है। भारत के शहीदों की शहादत सभी देशों के आजादी के इतिहास में सबसे अधिक है और हमारे देश में
मदनलाल धींगरा या भगत सिंह या ऊधम सिंह या चंद्रशेखर जैसे शहीदों के बारे में और एक बात जाननी हो तो सबसे कम उम्र के सबसे ज्यादा शहीद जो हुए हैं किसी देश में वो भी भारत में ही। अंग्रेजों की फांसी के फंदे पर चढ़े ऐसे हमारे देश में सैकड़ों क्रांतिवीर थे जो अंग्रेजों की परिभाषा में नाबालिग थे, वो बालिग भी नहीं हुए थे, उनकी उम्र 18 साल भी पूरी नहीं हुई थी। ऐसे कई शहीदों को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। हमारे देश में अंग्रेजों की लाठियां खाकर, अंग्रेजों की गोलियां खाकर, अंग्रेजों की तोप के मुंह से जिनका शरीर बांधा गया और गोले मारकर जिनके चिथड़े कर दिए गए, ऐसे लोगों की संख्या को गिनना शुरू करेंगे तो वो लाखों से भी आगे करोड़ों में है। पिछले 10-12 वर्षों से, या कहना चाहिए 15 वर्षों से, मेरे एक गुरु माननीय श्री धर्मपाल जी के साथ मिलकर अंग्रेजी दस्तावेजों का, इतिहास का जो अध्ययन मैं कर रहा हूं, अभी तो गुरु मेरे साथ नहीं है लेकिन सूक्ष्म रूप में, भाव रूप में वो मेरे साथ अभी भी है, उस जानकारी के अनुसार 7,32,781 तो वो शहीद हैं जो फांसी पर चढ़ गए, लंदन की जेलों में या भारत की जेलों में। इसके अलावा अंग्रेजों की गोलियां खाकर जो शहीद हुए, अंग्रेजों की लाठियां खाकर जो शहीद हुए, अंग्रेजों ने तोप के गोले से उनको बांधकर उड़ा दिया, अंग्रेजों ने भारत के हजारों लाखों लोगों को भूख से मरने के लिए मजबूर कर दिया, ऐसे लोगों की संख्या 4.5 करोड़ है, वो अलग है। हमारा तो दुर्भाग्य और अफसोस इस देश का ये है कि अंग्रेजों के जाने के बाद हमने हमारे शहीदों के बारे में, हमारे देश के उन लोगों के बारे में जानने की कोई कोशिश नहीं की है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस देश को आजादी दिलाई है। कोई बड़ा रिसर्च का काम अभी तक इस देश में नहीं हुआ है। मैं आज सवेरे हिमाचल प्रदेश आया, यहां आने के बाद एक सुखद अनुभूति मुझे हुई। हमारे पतंजलि योग पीठ और भारत स्वाभिमान से जुड़े हुए एक भाई जो यहां उपस्थित हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश के शहीदों पर कुछ काम कर रहा हूं। तो मैंने कहा आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम आजादी के 62 साल के बाद हो रहा है, ये काम तो आजादी मिलते ही होना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश में कौन शहीद हुए, जम्मू कश्मीर में कौन शहीद हुए, पंजाब में कौन शहीद हुए, हरियाणा में कौन कौन शहीद हो गए, उत्तर प्रदेश में कौन हो गए, मध्य प्रदेश में कौन हो गए, उड़ीसा, बंगाल, बिहार में कौन शहीद हुए, इसकी जानकारी तो हमारे देश के बच्चों को आजादी मिलने के 1-2 साल के अंदर ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई है, बहुत अफसोस है। मेरे जैसे आदमी को भी हिंदुस्तान के शहीदों के बारे में कोई कहे कि आप एक सूची बनाओ कितने शहीदों के बारे में आप जानते हो, तो 10, 20, 50, 100, 200, 500 नाम लिखने के बाद मेरी कलम भी रुक जाएगी, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम है। मुझे तो परम सम्माननीय धर्मपाल जी जैसे किसी व्यक्ति का सहयोग नहीं मिला होता या उनका दिशा निर्देश नहीं मिला होता तो मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि 7,32,781 शहीद हो गए इस देश की आजादी के लिए। 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग शहीद हो गए परोक्ष रूप से इस देश की आजादी के लिए। और ये 4.5 करोड़ की संख्या उस समय के भारत की है जब भारत की कुल आबादी 22 करोड़ की थी। 22 करोड़ की आबादी में 4.5 करोड़ लोगों का शहीद हो जाना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत गहरी और बहुत ऊंची बात है जिसका विश्लेषण होने पर हमें अंदाजा लगेगा कि लोगों में आजादी का और स्वतंत्रता का जज्बा कितना ऊंचा था कि वो सब कुछ बलिदान देकर इस देश से चले गए। अगर हम मोटी सी बात समझने की कोशिश करें, 22 करोड़ की आबादी में 4.5 करोड़ लोगों का शहीद हो जाना माने 25% आबादी का देश की आजादी के लिए खत्म हो जाना, फना हो जाना, न्योछावर हो जाना। 25% आबादी किसी देश की अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आजादी के लिए खत्म हो जाए, फना हो जाए, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा आजादी बहुत कीमती है, स्वतंत्रता बहुत कीमती है, भले ही ये आधी अधूरी है। हमारे मन में क्रोध है, गुस्सा है कि आजादी आई, देश का बंटवारा हुआ, देश के 2 टुकड़े हुए, उसका क्षोभ है, रंज है, गम है हमारे दिल में।
आजादी पूरी आनी चाहिए थी, देश खंड खंड नहीं बंटना चाहिए था, देश एक ही रहना चाहिए था, लेकिन बटे हुए देश पर हमने आजादी लाई तो आजादी का जो खुशी है, जो सुख है, वो आधा अधूरा सा है। ये बात सही है, और इससे भी ज्यादा सही एक दूसरी बात है कि आजादी आई तो हमारे उन शहीदों के सपनों का क्या हुआ जिन सपनों के लिए शहीदों ने आजादी लाई। मैं एक नाम लेके बात कहता हूं, शहीद आजम भगत सिंह को जब असेंबली में बम गिराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और सैंडर्स की हत्या करने के आरोप में उनको लाहौर जेल में बंद कर दिया गया और उनके ऊपर मुकदमे चलाया जाना शुरू हो गया, उस समय की एक घटना सुना के बात शुरू करना चाहता हूं। शहीद आजम भगत सिंह ने एक घोषणा पत्र लिखा, एक मेमोरेंडम बनाया, एक मैनिफेस्टो बनाया, और वो कुछ ऐसा था जो भारत की आजादी के बाद का भारत कैसा होगा उसका स्वप्न दिखाने वाला था। उसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। अब अचंबा और हैरानी तो इस बात की होती है कि 23 साल का एक नौजवान इतनी गहरी बात कह सकता है और सोच सकता है, यह हैरान करने वाली बात है। 23 साल की उम्र में किसी नौजवान को इतनी दूरदृष्टि हो सकती है, ये बहुत हैरान करने वाली बात है। 23 साल की उम्र होती ही क्या है? आज के समय में हम देखें हमारे देश के 23 साल की उम्र के नौजवान लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या जी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, उसकी तुलना करना शुरू करें तो बहुत हैरानी और अचंबा होता है कि शहीद आजम भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में क्या लिख दिया अपने घोषणा पत्र में। वो लिखते हैं कि मैं देख रहा हूं मेरी कुर्बानी, मेरी शहादत के 15 साल के बाद ये देश आजाद हो जाएगा। इतने पक्के तरीके से कोई कैसे कह सकता है कि मेरी शहादत के 15 साल के बाद ये देश आजाद हो जाएगा? आप जरा देखिए, 1931 में भगत सिंह की शहादत हुई 23 मार्च को, और 1946 3 जुलाई को अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि वो भारत छोड़कर जा रहे हैं। लगभग ठीक 15 साल के बाद ही देश की आजादी आ गई। फिर वो शहीद कहते हैं भगत सिंह कि मुझे अफसोस इस बात का होगा कि आजादी तो आ जाएगी, लेकिन आजादी के बाद का भारत कैसा होगा अगर हमने अंग्रेजों की गुलामी की व्यवस्था को नहीं बदला तो। अंग्रेजों की गुलामी की व्यवस्था से मतलब भगत सिंह का कहना था कि अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी नियम, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था, अंग्रेजी अर्थव्यवस्था, अंग्रेजी कृषि व्यवस्था, अंग्रेजी समाज व्यवस्था, अंग्रेजों का आचरण, अंग्रेजों का रहन सहन, अंग्रेजों का खान पान, अंग्रेजों की भाषा, अंग्रेजों की संस्कृति, अंग्रेजों की सभ्यता, अगर इन सबको हमने नहीं बदला तो हमारी आजादी बेमानी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, उसकी कोई सार्थकता नहीं रह जाएगी। अब आजादी के 62 साल के बाद भगत सिंह जी का कहा हुआ ये बयान बिल्कुल सच दिखाई देता है। आजादी के 62 साल के बाद ऐसा ही लगता है कि शायद आजादी बेमानी हो गई है, सार्थकता उसकी कहीं खो गई है। और ये अकेले भगत सिंह की बात नहीं है, यही बात हिंदुस्तान के उन सब क्रांतिवीरों की है जो अलग अलग समय पर शहीद हुए। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल, अमर शहीद अशफाक उल्ला, अमर शहीद सचिंद्रनाथ लाहड़ी, अमर शहीद मनमथनाथ गुप्त, ये सब लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया था और उस संगठन का नाम रखा था हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये संगठन का गठन सन 1924 में हुआ था, वाराणसी इसका केंद्र था, मुख्य कार्यालय था। इस संगठन की तरफ से 9 बिंदुओं का एक घोषणा पत्र जारी किया गया था कि हम ये संगठन बना रहे हैं हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए और आजादी के बाद अपने सपनों का भारत बनाने के लिए। तो जिन शहीदों ने, क्रांतिवीरों ने यह संगठन तैयार किया, इस संगठन के अध्यक्ष थे पंडित रामप्रसाद बिस्मिल और इस संगठन के सचिव हुआ करते थे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, और बाकी उनके क्रांतिवीरों ने मिलकर एक घोषणा पत्र लिखा और वो पूरे देश के लिए जारी किया। उस घोषणा पत्र का नाम था द रिवोल्यूशन, क्रांति। और उसमें पहला बिंदु ये था कि आजाद तो हम हो ही जाएंगे, आज नहीं तो कल, बस हमारा संकल्प बढ़ते रहना चाहिए आजादी के लिए।
उसमें लिखा गया कि आजादी तो हमें मिलेगी क्योंकि ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। ज्यादा दिन किसी भी प्रजा को कोई भी दूसरा देश गुलाम बनाकर नहीं रख सकता, इसलिए भारत तो आजाद होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और हमारी कुर्बानियां बेकार नहीं जाएंगी। लेकिन हमारी चिंता आजादी के बाद के भारत की है, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, उसका रूप कैसा होगा, किस रास्ते पर वो भारत चलेगा, वो हमारी चिंता का विषय है। तो उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई किसी का शोषण ना कर सके और कोई बहुत गरीब और कोई बहुत अमीर ना हो सके। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, आजादी के बाद के भारत की कृषि व्यवस्था ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी भी किसान को ये ना लगे कि खेती करके उसने जीवन में कोई अपराध किया है या खेती करके उसने कोई पाप किया है। फिर तीसरा बिंदु, आजादी के बाद भारत के हर श्रमिक को, हर मजदूर को इतना सम्मान और इतना वेतन तो होना ही चाहिए कि वो अपने बेटे बेटियों को गर्व से ये कह सके कि तुम भी चाहो तो श्रमिक हो सकते हो, मजदूर हो सकते हो। चौथा बिंदु, आजादी के बाद हिंदुस्तान की किसी भी मां बहन बेटी को रात के 12 बजे किसी अकेली सड़क पर निकलते समय जानवर का डर तो होना चाहिए लेकिन मनुष्य से कोई डर नहीं होना चाहिए, ऐसा समाज हो इस देश का। आगे का बिंदु, आजादी के बाद इस देश की किसी भी मां बहन बेटी के साथ ऐसी बदतमीजी और बेइज्जती कोई हिंदुस्तानी ना करे जो अंग्रेज पिछले सैकड़ों साल से इस देश में कर रहे हैं। फिर उस घोषणा पत्र का एक बिंदु है, आजादी के बाद भारत के हर अमीर और गरीब, उसमें लिखा है ब्रैकेट में बहुत स्पष्ट कि किसी भी समाज में अमीर और गरीब तो रहेंगे लेकिन अमीर और गरीब के बीच का अंतर इतना नहीं होना चाहिए कि एक उंगली बिल्कुल छोटी हो जाए और दूसरी उंगली बहुत लंबी हो जाए। उंगलियों में जितनी छोटाई बढ़ाई है, उंगलियों में जितनी ऊंचाई नीचाई है, उंगलियों में जितनी कम और बढ़त है, सामान्य रूप से थोड़ी ही है, इतनी ही समाज के अमीर और गरीब में होनी चाहिए, ऐसा आजादी के बाद का भारत हो। और ऐसे कर करके उसमें 9 बिंदु हैं। आखिरी बिंदु है कि हम सब माने भगत सिंह, हम सब माने रामप्रसाद बिस्मिल, हम सब माने अशफाक उल्ला, जिन्होंने बनाया वो संगठन और जारी किया ये घोषणा पत्र, उसमें कहा कि हम सब इस घोषणा पत्र को जारी कर रहे हैं अपने हस्ताक्षर के साथ इस उम्मीद से कि हमारे जाने के बाद हिंदुस्तान की नौजवान ताकत इस घोषणा पत्र को, भारत के सपनों को स्वीकार करने में और सार्थक बनाने में रात दिन काम करे। माने हम जितना कर पाएंगे करेंगे, हमारे जाने के बाद भारत की नौजवान ताकत इस काम को आगे बढ़ाए। ये हिंदुस्तान के शहीदों के सपनों का कुछ भारत था। थोड़ा और पीछे चलें, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, मदनलाल ढींगड़ा, अशफाक उल्ला, ये सब क्रांतिवीर थे 19वीं शताब्दी के। 18वीं शताब्दी के क्रांतिवीरों की बात करें, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मौलाना अजीमुल्ला, मौलाना अमजद खान, इन क्रांतिवीरों की बात करें, उनका सपना क्या था? उनका सपना एक ही था जो 19वीं शताब्दी के क्रांतिवीरों का था, संपूर्ण आजादी चाहिए, संपूर्ण स्वराज्य चाहिए, इससे कम कुछ नहीं चाहिए। समय समय पर भारत में क्या होता था, जब जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कोई बगावत होती थी, संग्राम होता था, कोई बड़ी लड़ाई होती थी, तो अंग्रेज सरकार भारतवासियों के सामने लॉलीपॉप फेंकती थी, चुग्गा फेंकती थी। अंग्रेजों की सरकार क्या कहती थी भारतवासियों से, आप हमारे साथ मिल जाओ और मिलकर इस देश की सत्ता चलाओ। माने अंग्रेजों की जो सरकार चल रही है, इस सरकार में आप भारतवासी भी शामिल हो जाओ और मिलकर देश चलाओ, अंग्रेज भी रहें, भारतवासी भी रहें। इस तरह का समय समय पर अंग्रेज प्रस्ताव प्रस्तुत करते थे। एक बार कुछ भारतवासी उसमें फंस भी गए, उनके चक्कर में आ गए, शायद मन कमजोर था, संकल्प कमजोर था, दूर की कोई दृष्टि नहीं थी, कोई पक्की उनकी जमीन नहीं थी, कोई उनकी नींव नहीं थी, इसलिए फंस गए होंगे। तो कुछ भारतवासियों ने मिलकर एक पार्टी बना ली थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे पंडित मोतीलाल नेहरू। इस स्वराज पार्टी के सचिव हुआ करते थे फिरोज शाह मेहता।
इस स्वराज पार्टी में शामिल हुआ करते थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इस स्वराज पार्टी में शामिल हुआ करते थे सुरेंद्रनाथ सेन, जिनको हम भारत के इतिहास में नरम दल का नेता कहते हैं। वो नरम दल के ज्यादातर नेता इस स्वराज पार्टी में थे। और इनका काम क्या था? अंग्रेजों से वार्ता कर लो, कोई समझौता हो जाए और अंग्रेजों के साथ हम भी सरकार में शामिल हो जाएं, थोड़ा अंग्रेज लूटें, थोड़ा हम लूटें, काम इस तरह से चले। जैसे आज हमारे देश में कोलिशन गवर्नमेंट चलती है ना, सत्ता के लिए ये पार्टी भी, ये पार्टी भी, ये पार्टी भी सब मिलकर एक साथ हो जाएं, थोड़ा तुम लूटो, थोड़ा हम लूटें, तुम्हारा पेट भरे, हमारा पेट भरे। तो ये कोलिशन गवर्नमेंट भारत में कोई नई चीज नहीं है, ये अंग्रेजों के जमाने का किस्सा है। स्वराज पार्टी भी ऐसा ही एक प्रयास था कि अंग्रेजों के साथ मिलकर कोलिशन में एक सरकार चलाई जाए। तो वो कोलिशन वाले लोग क्या कहते थे? भले आजादी मिले ना मिले, भले स्वतंत्रता आए या ना आए, भले अंग्रेज चाहे भारत में रहें, चाहे तो लंदन चले जाएं, हमको अंग्रेजों के साथ सत्ता में शामिल होकर वो सब मलाई चाटने को मिले जिसको अंग्रेज अकेले चाट रहे हैं। तो ये एक माहौल बनता था बीच बीच में। अंग्रेज इस तरह का पासा फेंकते थे, हिंदुस्तानी कुछ नेता उसमें फंसते थे। ऐसे समय पर भारत के क्रांतिवीर जिनके संकल्प ऊंचे थे, जिनकी नींव बहुत मजबूत थी, जिनके मन में बुलंदी बहुत ज्यादा थी, वो कहा करते थे कि हमको ये कोलिशन की सत्ता नहीं चाहिए, संपूर्ण स्वराज्य चाहिए, पूरी आजादी चाहिए, जिसमें हम हमारे देश के मालिक होंगे। अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार चलाना और सत्ता की बंदरबांट करना, इसके लिए तो ये संग्राम नहीं है। तो नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, रानी कित्तूर चन्नम्मा, नाना फडणवीस, वासुदेव बलवंत फड़के, ये सारे क्रांतिकारी 18वीं शताब्दी के, ये कहा करते थे संपूर्ण आजादी चाहिए, संपूर्ण स्वराज्य चाहिए, संपूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। इसके बाद के जो क्रांतिवीर निकले, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, वो भी इसी धारा के थे कि संपूर्ण आजादी चाहिए, संपूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। एक बार लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्रपाल और अरविंदो घोष, ये चारों मिलकर एक ही सभा में एक ही मंच से भाषण दे रहे थे। सभा थी पुणे में, साल था सन 1905 और मामला था अंग्रेजों द्वारा बंगाल का बंटवारा। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का एक राज्य जिसका नाम था बंगाल, उसको दो हिस्सों में बांट दिया था, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल मुसलमानों के लिए, पश्चिमी बंगाल हिंदुओं के लिए। हिंदू और मुसलमान के आधार पर भारत का बंटवारा हो, ये मोहम्मद अली जिन्ना का सपना नहीं था, ये अंग्रेज अधिकारी करजन का सपना था जो 1905 में उसने क्रियान्वित कर दिया था। 47 में जाकर भारत का बंटवारा हुआ, वो तो औपचारिकता थी, बीज तो 1905 में अंग्रेजों ने डाल दिया था कि भारत का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के आधार पर करना है। और अंग्रेजों ने ये क्यों किया था? क्योंकि 1905 के पहले हिंदू और मुसलमान पूरी ताकत से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। मैंने आपको बताया, एक तरफ नाना साहब पेशवा थे तो दूसरी तरफ अजीमुल्ला थे, एक तरफ तात्या टोपे थे तो अमजद खान थे, एक तरफ हमारे देश की झांसी रानी लक्ष्मीबाई थी तो दूसरी तरफ बेगम हजरत महल थी। कोई कम मुसलमान इस देश की आजादी के लिए लड़े नहीं है, बहुत लड़े हैं और बहुत शहीद हुए। तो ये हिंदू मुसलमान मिलकर लड़ रहे थे और अंग्रेजों को खतरा इसी बात से था कि अगर ये हिंदू मुसलमान इसी तरह से मिलकर लड़ते रहेंगे तो हमको तो आज नहीं कल भागना ही पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने एक सिद्धांत बनाया था जिसको वो कहते थे डॉक्ट्रिन फॉर डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो का सिद्धांत। उसमें उन्होंने हिंदू मुसलमानों का बंटवारा करने का तय किया था, हिंदू मुसलमानों के खिलाफ हो, मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ हो। तो अंग्रेजों ने पूरी एक टोली बनाई हुई थी जिसमें अंग्रेज सैनिक रहा करते थे। ये टोली का एक ही काम होता था, बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली है, बंबई है, अहमदाबाद है, मद्रास है, बेंगलोर है, इन बड़े बड़े शहरों में ये अंग्रेज अधिकारियों की टोली क्या किया करती थी? रात में चुपचाप किसी मस्जिद के सामने जाकर सुअर काट के फेंक दिया करती थी और रात में किसी मंदिर के सामने जाकर चुपचाप गाय काट के फेंक दिया करती थी। सवेरे सवेरे अंग्रेजों की तरफ से ऐलान किया जाता था, मुसलमानों के इलाकों में यह भड़काया जाता था कि देखो तुम्हारी मस्जिद के सामने सुअर काट के फेंक दिया इन काफिर हिंदुओं ने।
और हिंदुओं की बस्ती में आकर ऐलान किया जाता था कि देखो तुम्हारे मंदिर के सामने तुम्हारी पवित्र गाय को काटकर फेंक दिया इन म्लेच्छ मुसलमानों ने। तो हिंदुओं का खून गर्म होता था मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों का गर्म होता था हिंदुओं के खिलाफ। उसमें दोनों झगड़ा करते थे, एक दूसरे को मारते थे, एक दूसरे से मरते थे और अंग्रेज खिलखिलाकर हंसा करते थे। अंग्रेजों ने इसी साजिश के तहत बंगाल का बंटवारा किया था, पूर्वी बंगाल मुसलमानों का, पश्चिमी बंगाल हिंदुओं का। तब हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़े हुए थे पूरे देश में और उन्होंने संकल्प लिया था, बंटवारा अंग्रेजों ने भौतिक रूप से तो कर दिया है लेकिन आत्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से हम होने नहीं देंगे और अब इन अंग्रेजों को भारत से उखाड़ कर ही दम लेंगे। तब भारत के दक्षिण और उत्तर के नेता, पूरब और पश्चिम के नेता एक साथ मिलकर आजादी के लिए लड़ रहे थे। उस समय की यह घटना है। लाला लाजपत राय उत्तर भारत के नेता, बाल गंगाधर तिलक पश्चिम भारत के नेता, विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष पूर्वी भारत के नेता, ये मिलकर एक साथ सभाएं किया करते थे। तो ऐसी ही एक सभा पुणे में हो रही थी। उस सभा में कुछ अंग्रेजी पत्रकार भी आए हुए थे, विदेशी पत्रकार भी आए हुए थे। उस समय ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन चला करता था और अंग्रेजों का एक अखबार निकला करता था जिसको आजकल हम टाइम्स ऑफ इंडिया कहते हैं, वो एक जमाने में टाइम्स ऑफ इंग्लैंड हुआ करता था, बाद में इसका हिंदुस्तानीकरण हुआ, स्वदेशीकरण हुआ। तो उस अखबार के कुछ रिपोर्टर, बीबीसी के कुछ रिपोर्टर बैठे हुए थे। लोकमान्य तिलक ने मंच से घोषणा की कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे और स्वराज्य को लाने के लिए स्वदेशी के रास्ते पर चलेंगे। भाषण खत्म होने के बाद, मीटिंग खत्म होने के बाद अंग्रेज पत्रकारों ने पूछा था, आपको भरोसा है कि स्वराज आएगा? तो लोकमान्य तिलक ने कहा कि आपको भरोसा है कि अंग्रेज यहां हमेशा रहेंगे? तो उन्होंने कहा, हमको तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने तो भारत में 1000 साल रहने की योजना बनाई है। तो लोकमान्य तिलक ने कहा कि इस योजना को पलीता लगाने का काम हम करेंगे और 1000 साल तो क्या हो सकता है, 50 साल भी अंग्रेज हिंदुस्तान में न रह पाए, उसके पहले ही उनको ये देश छोड़कर भाग जाना पड़े। 1905 में उन्होंने कहा था कि 50 साल भी ज्यादा है और 1946 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की बात की थी। मतलब यह है कि जब क्रांतिवीरों का संकल्प बड़ा होता है, जमीन बहुत पक्की होती है और स्मृति उनकी बहुत गहरी होती है, तो उनके मुंह से निकले हुए वाक्य भविष्यवाणी बन जाया करते हैं। वैसा ही हुआ करता था। तो उनकी भविष्यवाणी तो हो गई सिद्ध, अंग्रेज तो भाग गए 15 अगस्त 1947 को। लेकिन हम सबको अब गंभीरता से यह सोचना है कि अंग्रेजों के भाग जाने के बाद इस देश में क्या वो सब हो पाया जिसके लिए शहीदों ने कुर्बानी दी है। अंग्रेजों के भाग जाने के बाद क्या अंग्रेजियत इस देश से भाग गई है? अंग्रेजों के भाग जाने के बाद क्या अंग्रेजी इस देश से भाग गई है? अंग्रेजों के जाने के बाद क्या व्यवस्था बदल गई है जिस व्यवस्था के लिए हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी है या आजादी की लड़ाई लड़ी है? जब इस प्रश्न को हम गहराई से सोचते हैं तो उत्तर मिलता है, नहीं। अंग्रेज तो चले गए हैं, अंग्रेजी नहीं गई है। अंग्रेज तो चले गए हैं, अंग्रेजियत नहीं गई है। अंग्रेज तो चले गए हैं, उनकी व्यवस्थाएं नहीं गई हैं। अंग्रेज तो चले गए हैं लेकिन अंग्रेजों की छोड़ी हुई निशानियों को हमने आज तक सहेज और संभाल कर रखा है, जैसे कि गुलामी की निशानियों को कोई देश जिंदा नहीं रखता लेकिन हमने रखा। अब जो गंभीर प्रश्न है हम सब भारतवासियों के सामने, मदनलाल धींगरा, अशफाक उल्ला, भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर, ऐसे ऐसे शहीदों की सारी कुर्बानी देने के बाद अब हमारे सामने गंभीर प्रश्न है, वो ये कि इन सब कुर्बानी देने वाले के शहीदों का आजादी के बाद का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया है, तो उसके लिए हम क्या करें? मैं एक दो उदाहरण से बात करती कि जो भी कुछ करो कानून बनाकर करो। अत्याचार करना है तो कानून बना दो, जेब काटनी है तो कानून बना दो, लूटना है भारतवासियों को तो कानून बना दो, बर्बादी करनी है भारत की तो कानून बना दो, बेइज्जती करनी है भारत की तो कानून बना दो। वो सब काम कानून बनाकर किया करते थे और इसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता था रूल ऑफ द लॉ, कानून का शासन। अंग्रेज सारी दुनिया के सामने ये प्रस्तुत किया करते थे कि हम तो भारत में कानून का शासन चला रहे हैं, अब उस शासन में अत्याचार होता है तो ये भारतवासियों का नसीब है, हम क्या करें? लेकिन दुनिया को ये बात समझ में बहुत देर में आई कि जब कानून आप गलत बनाएंगे, उल्टे बनाएंगे,
तो उन कानूनों से अत्याचार ही होगा और उन कानूनों के आधार पर बर्बादी ही होगी। कोई उसमें से सुखद और सुखी देश की